इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। आज भागीदारी है अजमेर इस्लाम अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन मीटिंग का आपको आमंत्रित किया गया है। इसका मकसद क्या है? शहर बलगाम में हर मोहल्ले में एक फ्री मेडिकल कैंप का मुनक्कद किया जाना और जहां पर जिस मोहल्ले में फ्री मेडिकल कैंप किए जा रहे हैं वहां पर जो है खुद डॉक्टर जो है उस मोहल्ले के उस कैंप को निगरानी में हो रहा है। शहर बलगाम का वो वही इदारा अंजुमन इस्लाम शहर बलगाम आप बखूबी वाकिफ है इस इदारे से। जिस वक्त मार्च के आखिरी महीने में पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन किया गया, किस वजह से लॉकडाउन किया गया आप हजरात बखूबी जानते हैं। कोरोना वायरस बीमारी पूरी दुनिया में इस तरह से फैली हुई थी कि हम उस बीमारी को जो चाइना में इटली में के बाहर के देशों से जो है वीडियो वायरस हो रहे थे, इससे डर और खौफ इंसानों के अंदर ये हो गया था। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, सपोर्ट स्टाफ, बैंक की जमात, एक कैंप ऑर्गेनाइज किए डॉक्टर साहब जो देख रहे हैं। हम और आप कुछ नहीं कर सकते या ये मिशन को देखना चालू नहीं किए। सबसे ज्यादा तकलीफ है तो हमें डॉक्टर्स की है। डॉक्टर शॉर्ट काम कर रहे हैं, ये काफी तकलीफ है। काफी डॉक्टर्स घर पे बैठे हुए तो ये काम कर रहे थे। भागीवाड़ी का नाम सुनने से मार्च की याद आती है। भागीवाड़ी एक कुछ है मार्च 23 के बाद में जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ और पेशेंट आने चालू हो गए तो ऐसा लग रहा था कि आपके डॉक्टर्स से जैसे देर में कोरोना की बीमारी तैयार करके कोई लेके आ रहे हैं। बीमारी भी इनको लगी, बीमार भी ये हुए, आगे चल के अपने घर वालों को अपने आस पास पड़ोसों की लगी और बदनाम की। अजीब बदलता अजीब बातें सुनने आती थी और तकलीफ होती थी सबकी। काफी परेशान थे हमारे भाई वाली हम भी काफी परेशान थे। हॉस्पिटल क्वारंटाइन सेंटर हमारे स्टूडेंट साहब का भी गए तो इस पता था कि अगर कॉन्टैक्ट में भी अगर कोई आया रहा तो एक एम्बुलेंस चाहिए, सामने एक जीप नीचे एक जीप, जैसे यहाँ से छोटी बड़ी करके आए वैसे लेके चले जाते। मैं डॉक्टर आसिफ मंगल न्यू गांधी नगर से हूँ और यार जो कैंप रखा गया है अंजुमन इस्लाम की तरफ से है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अंजुमन इस्लाम की टीम जो कि हेडेड बाय रमेश है वो पूरे बेलगाम शहर में इस तरह के अवेयरनेस कैंप का अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जो कोरोना वायरस का जो लोगों के दिले में डर है ना तो वो चला जाता है। तो अभी तो क्या है लोग डर के मर रहे हैं आते लोग, तो आप डरिए नहीं, कुछ भी सर
सर्दी बुखार खांसी ऐसा रहा तो अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाई है और टाइमली टाइम पे ट्रीटमेंट लेने से बहुत लोगों की जान बच सकती है। तो और मैं चाहता हूँ कि अभी जो ये कैंप है गिरी बागेवाड़ी में ऑर्गेनाइज किया गया है अंजुमन इस्लाम की तरफ से, तो मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि सब लोग आएँ और इधर ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएँ। और ये कैंप का मेन मोटो सिर्फ कोरोना कोविड के लिए भी नहीं है, इससे जो भी बाकी भी मेडिकल हेल्प चाहिए वो भी अंजुमन इस्लाम से रब्ता कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक प्लाज्मा थेरेपी का प्लाज्मा डोनेशन अवेयरनेस के लिए भी हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सब लोग आएँ, जो भी रिकवर्ड पेशेंट्स हैं अपना प्लाज्मा डोनेट करके दूसरों की जान बचाएँ। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम सबके इसके लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है, ना कि सिर्फ मुस्लिम के लिए, ना अपने अपने आपके प्लाज्मा से सबकी जान बच सकती है। ये कैंप जो है अंजुमन इस्लाम की तरफ से है। अंजुमन इस्लाम ने एक स्टेप लिया है कि लोगों में अवेयरनेस आए और जहाँ कहीं भी लोगों की तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को जल्द से जल्द जो है राहत पहुँचाए। बाजू से अंजुमन इस्लाम की जो पूरी टीम है इसमें लगी है और हर जगह हर गली हर मोहल्ला हर करियर में इस कैंप को चलाया जा रहा है। और कोरोना वायरस के अफवाहों से और जो इंसिडेंसेस है उसमें लोगों में बहुत सारा जो है डर सा आ गया है। तो जो साधारण सर्दी खांसी बुखार है उसको लोग छुपाते हैं, कोरोना वायरस का जो इनिशियल सिम्टम्स है वो बुखार से शुरू होता है। तो अगर लोगों में ये अवेयरनेस आ जाए कि हर बुखार कोरोना वायरस नहीं मानते, तो बहुत सारे बुखार जो है टाइफॉइड मलेरिया या डेंगू से हो सकता है, कोरोना वायरस नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कोरोना वायरस समझ के उसको इग्नोर करते हैं, छुपाते हैं और बजाय कोरोना वायरस के कोई और बीमारी से मर जाते हैं। तो अगर लोगों में ये अवेयरनेस आ जाए कि हर बुखार कोरोना वायरस नहीं होती और लोग अपने डॉक्टर को हर सर्दी बुखार के बारे में बताएं तो जल्द से जल्द उसका इलाज मुहैया करें, तो इंशाल्लाह बहुत सारे जाने बच सकते हैं। हमारे अंजुमन इस्लाम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के जाने से फ्री मेडिकल कैंप किया जा रहा है जो बेलगाम के तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी तालुका में किया जा चुका है। अभी हमारे स्कूल के डॉक्टर साहब वगैरह आते हैं, अगर जो लोगों की हिम्मत कर रहे हैं फ्री में उनको फ्री में मेडिकल किट्स दवे के फ्री में उनका ब्लड चेकअप वगैरह कर रहे हैं। उनके साथ में हमारे जो आसिफ राजू शेख साहब है उनके तरफ से कैंप हर जगह किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी मुझे साहब जनरल सेक्रेटरी हमारे अंजुमन इस्लाम के अशफाक गोरी साहब, उसके बाद में आर्मी पट्टी के साहब जो हमारे मेडिकल टीम के इंचार्ज है, वो तकरीबन हर तालुका में ये काम शुरू है। और हमारे टीम में जो ब्लड लैब के जो लोग हैं हमारे सिकंदर भाई, हमारे प्रोड्यूस भाई, हमारे भाई और एक हैं इनके भाई फारूक भाई, ये लोग भी तकरीबन हर जगह आकर के लोगों को फ्री में ब्लड वगैरह सैंपल लेना, उनको फ्री में चेकअप करके देना, ये सब काम टोटली फ्री चल रहा है। नानू बसनगौड़ नागनगौड़ पाटील माजी तालूका पंचायती मेबर एर सवि हत कोविड ऐनोडी जगत आवश्यकते अब एलू मारकू मत इंत सदर्भली नम हिरेबागेवाड़ी ग्रामद अंजुमन इस्लाम सोसाइटी मदीना एजुकेशनल ट्रस्टिन कुक ऐन फ्री कैंप मैं स्वागतार्हवा विषय ऐसी।